सुहा जी, क्या हालचाल? तो भाई OnePlus रेडी है अपने नंबर सीरीज को लॉन्च करने के लिए, नाम है OnePlus 13। जी हाँ, ये स्मार्टफोन बहुत जल्दी अपने यहाँ भारत में लॉन्च होने वाली है। लेकिन माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब अपने यहाँ भारत में कब तक लॉन्च होगा, ये तो मैं सुनता आ रहा हूँ, और क्या नया चीज है OnePlus 13 में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सुनिए, ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है, ऐसा ऑफिशियली कन्फर्म तो नहीं है, दिवाली के आसपास देखने को मिलने की उम्मीद है, यानी कि अगस्त या सितंबर या फिर अक्टूबर, ऐसा कुछ बताया, यानी अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकता है, ऐसा अभी लीक्स रूमर्स है। लेकिन इस वीडियो में क्या खास है, इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है OnePlus 13 के बारे में, क्योंकि एक नया स्मार्टफोन है नहीं, एक रीब्रांड होने वाला है। बताया जा रहा है कि OnePlus S3 Pro का ही ये रीब्रांड होने की उम्मीद है। लेकिन इंडिया में अपने आप भारत में लॉन्च होगा ना, उसकी लीक सामने आई है, यानी कि कैमरा डिटेल सामने आया हुआ है, डिस्प्ले क्या होगा, बैटरी क्या होगी, वो चीज़ सामने आ चुकी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अभी भी एक क्या बोलते हैं, छुपा हुआ रहस्य है कि दिखने में कैसा होने वाला है। तो डिज़ाइन अभी सामने नहीं आई है, मतलब कन्फर्मेशन डिज़ाइन सामने नहीं है, जैसे कुछ आएगा मैं आपको बताऊंगा डिज़ाइन के मामले, फर्स्ट लुक बताऊंगा आपको। लेकिन जो अभी आप देखेंगे डिज़ाइन विजाइन, वो सब OnePlus 12 का ही होने वाला है। कुछ नया होगा इस बार डिज़ाइन बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं क्या खास होने वाली है और पैसे कैसे कमाएंगे इस वीडियो के थ्रू, वो सब कुछ शेयर करने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है मुझे थोड़ी सी यहां पर बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे हैं खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए देखते भाई साहब OnePlus 13 दिखने में कैसा होने वाला, इसकी स्केच जो सामने आई है वो आपको शेयर करूंगा, और क्या अपडेट है इस बार सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वैसे ही OnePlus अपने नंबर सीरीज की बिल्ड क्वालिटी दमदार होती है, पता ही है, ग्लास बिल्ड होगा। जी हाँ, ग्लास का बैक होगा, एल्युमिनियम फ्रेम ग्लास फ्रंट देखने को मिलने वाली है। लेकिन फ्रंट में किस की प्रोटेक्शन है, बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कोडिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। लेकिन फोन का वेट, थिकनेस, आईपी क्या होगी, तो बताया जा रहा है फोन का वेट होगा समवेयर अराउंड 196 ग्राम, थिकनेस 8.1 mm, साथ ही आपको IP65 की रेटिंग देखने को मिल सकती है, धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट कर देगी। IP65 है, कुछ जगह अभी पता चल रहा है कि IP68 भी देखने को मिल सकती है, अभी एक थोड़ा सा रहस्य है, बचा कर रखते, पता चलेगा कि बताऊंगा। लेकिन देखा जाए ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त होने वाली है। अब सवाल है कि भाई साहब इस बार डिजाइन कैसी होगी, तो स्केच सामने आया हो जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए बात करते हैं डिजाइन की। तो दोस्तों, डिजाइन जो सामने आई हुई है, एक स्केच है, यहाँ पर आप बैक साइड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टॉप पर ना सर्कुलर शेप में ही सेंटर में इस बार आपको मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग, जहां पर हेजल ब्लेड की ब्रांडिंग के साथ आने वाली है, LED फ्लैश होगी। वहीं आपको इस बार साइड में अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिलेगा, जो मजेदार चीज है। फ्रंट की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। बॉडी जो रेशियो बताया जा रहा है 91% के आसपास होगी, यानी कि वेजल चेंज प्रतिशत होने वाली है। कलर्स की बात करें ना भाई साहब, तो कलर्स केवल अभी फिलहाल दो ही है, एक है ब्लैक और एक है सिल्वर, और एक ग्रीन कलर भी देखने को मिल सकती है। जैसा याद है ना आपको, पिछला वाला जो वन ग्रीन कलर लॉन्च हुआ जबरदस्त लगा था, तो इस बार कुछ ऐसा ही होगा, कुछ नया डिजाइन देखने को मिल सकता है। अभी उड़ते हुए कबूतर से पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई वैगन लेदर का भी फिनिश देखने को मिल सकती है। खैर, पता चलेगा जब आएगा तो कंफर्म हो जाएगा, अभी लीक्स रूमर्स हैं, चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि भाई कंटेंट कंज्यूम करने के लिए डिस्प्ले क्वालिटी कैसी होगी, चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों, डिस्प्ले की बात करें तो कंटेंट कंज्यूम करने में ना टॉप नॉच है, मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ को मिलेगा 6.8 इंच की 2K का 10-bit का LTPO AMOLED पैनल, 3168x1440 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का स्पेक रेशियो, 510 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 4500 nits की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन L1, डॉल्बी विजन सपोर्ट, शानदार है, 2K की डिस्प्ले है, 10 बिट्स के कलर्स है, यहाँ पर 12 बिट्स का प्रोड्यूस करना चाहिए था, मैं प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन 10 बिट्स का LTPO कौन सा वर्जन है, 4.0 है कि कौन सा, ये भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन क्वालिटी टॉप नॉच होने वाली है, यहाँ पर शायद 8T का LTPO AMOLED पैनल हो सकता है, पता चलेगा, मैं अपडेट करूंगा, अभी ये लीक सामने आई हुई है।
कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आने वाला है। तीनों ही सपोर्ट है, HDR 10 प्लस वाइड एंड L1 Dolby Vision, तीनों ही सपोर्ट, यानी कि Amazon, YouTube और Netflix पर भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इसमें। यानी कि आप HDR कंटेंट रगड़ के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस शानदार है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग रेट, कॉम्बिनेशन शानदार है। सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करेंगे, गेमिंग करेंगे, टॉप नॉच होने वाला है। अब गेमिंग की से बात याद आती है कि भाई साहब गेमिंग टेमिंग ठीक है, लेकिन गेमिंग कराने के लिए इसमें दिमाग कौन सा यूज किया, प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया है, चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो इस फोन को शक्ति देने वाला है एकदम से लेटेस्ट, अभी अनाउंस नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं क्वालकॉम की तरफ से अभी अनाउंस होने वाला अक्टूबर के मंथ में, जो इनका एक इवेंट होता है, समिट होती है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ये अनाउंस होगा एकदम से लेटेस्ट क्वालकॉम से स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 प्रोसेसर, दमदार प्रोसेसर है, सारे बैरिकेड तोड़ चुकी है भाई साहब। ये प्रोसेसर जबरदस्त है, 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाया जाएगा, एनर्जी एफिशिएंसी ना धांसू होने वाली है भाई साहब, टॉप नॉच, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वन प्लस तरफ से आपको थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट भी शानदार मिलने वाला है, हीट वेव के चांसेस बहुत ही कम होने वाली है। कितना पावरफुल है चलिए नजर डालते हैं इसके रॉम से। तो यहाँ मिलता है 2 Cortex X925 जो कि 4.26 GHz क्लॉक किया गया, 6 Cortex A725 जो कि 2.8 GHz क्लॉक किया गया। भाई साहब देख रहे हैं परफॉर्मेंस ताबड़तोड़ होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है, सुपर से ऊपर होने वाली है, यानी कि बटरी स्मूथ है भाई साहब, दमदार गेमिंग आराम से 90 FPS तक कर सकेंगे। मिलता है एड्रीनो 760 GPU, साथ ही LPDDR6 रैम को सपोर्ट करती है, बट यहाँ को LPDDR5X रैम ही मिलेगा। UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिलेगी भाई साहब, रीड राइट की स्पीड ऑसम होने वाली, कोई दिक्कत नहीं, 12 5G बैंड के साथ मिलेगा। लेकिन ऑन टू डिस्क बात करें तो 31,33,000 के आसपास देखने को मिलने वाली है यहाँ पर। तो इनकी जबरदस्त है, दमदार है, परफॉर्मेंस में कोई शिकायत ही नहीं है। अब यहाँ पर एक और अपडेट आया हुआ है, यानी कि आप सवाल पूछेंगे ना कि भाई इमेज कैप्चर करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, क्वालिटी कैसी होगी। चलिए बात करते हैं कैमरा की। तो दोस्तों कैमरा के बारे में यहाँ पर वीवो की तरफ से अपडेट आई हुई है, जो चाइनीज ट्विटर होती है वहाँ पर अपडेट आया हुआ है कि जबरदस्त अपग्रेड किया गया है। तीनों ही आपको 50 MP का ही लेंस देखने को मिला है, लेकिन कौन कौन सा लेंस है चलिए बात कर लेते हैं। पहला है 50 MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ सोनी लाइट या 808 सेंसर, वहीं 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि सोनी IMX882 सेंसर यूज किया गया है। यही सेंसर सेम यूज किया गया है 50 MP का पेरिस्को टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट के साथ, यहाँ पर 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करती है भाई। 8K 30fps, 4K 60fps, 1080p 240fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, दमदार क्वालिटी होने वाली है। ऊपर से ये प्रोसेसर AI से भरपूर है, तो आपको वन प्लस तरफ से आपको AI फीचर भी देखने को मिलने वाला है, जहां से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, शर्ट के कलर चेंज कर, बहुत कुछ कर सकते हैं भाई साहब, जबरदस्त है, क्वालिटी टॉप नॉच होने वाली है। लेकिन सवाल है कि आपके खूबसूरत चेहरे को कम से कम रील शॉट होने के लिए कितना MP का कैमरा प्रोवाइड किया गया है। तो बताया जा रहा है 32 MP का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे आपको सोनी का ही सेंसर मिलेगा, लेकिन अभी अपडेट नहीं है। 4K 1080 दोनों ही 60fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी बंपर होने वाली है। अब सवाल है कि इस हमको जान फूकने के लिए कितना एमएच की बैटरी मिलेगी, चलिए बात कर लेते हैं बैटरी की। लेकिन दोस्तों अफसोस है, यहाँ पर ना बैटरी मिलेगा ही नहीं। जी हाँ, बैटरा मिलने वाला है, 6000 mAh का बैटरा मिलेगा और 100W की चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी, चार्जर बॉक्स को देखने को मिलेगा डेफिनेटली, मतलब कि बैकअप शानदार होने वाला है। 1.5-2 दिन तक तो आप आराम से निकाल लेंगे भाई साहब, देख के ही लग रहा है। 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 2K का आपका डिस्प्ले मिल रही है, OBI LTPO, पावर कंजम्पशन आपको ऑलरेडी कम मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि बैकअप तो शानदार निकाल के देगा ही देगा। डिफेंड करता हूँ कैसे यूज करना है, यहाँ बात करें सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक का ऑप्शन डेफिनेटली मिलता है सेंसर में, सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फलाना ढिकाना, शटर, फुटर, NFC, आईआर ब्लास्टर सब मिलेंगे, USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा। ये कि यहाँ पर डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलता है, डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग की जाएगी, साउंड क्वालिटी शानदार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से ना ही आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाला है, भाई प्रीमियम स्मार्टफोन है कहां से मिलेगा। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो नो डाउट लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ डिवर्स ऑक्सीजन OS 14.1 देखने को मिलेगा, या ब्लॉडवेयर इनका नीट एंड क्लीन फ्री होती है, UI एक्सपीरियंस टॉप नॉच होने वाली है। मैं खुद OnePlus Nord 3 यूज कर रहा हूं, अभी तक शानदार चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, नीट एंड क्लीन का UI होता है। हाँ, 3 साल एंड्रॉइड, 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट।
वेरिएंट्स की। तो दोस्तों वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ आपको चार वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। इसकी जो बेस वेरिएंट है वो होगी 12 प्लस 256, 16 प्लस 256, 16 प्लस 512, 16 प्लस 1TB। ऑप्शंस तो बहुत ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब देखा जाए जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट वैसा सिलेक्शन। लेकिन सवाल है भाई पैसे कैसे कमाएंगे और प्राइस क्या होगी। चलिए बात कर लेते हैं प्राइस की। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, 200 लाइक टारगेट है, पहुंचा दीजिए दिल खोल के, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं प्राइस की। तो दोस्तों प्राइस की बात करें तो बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी ये लीक्स रूमर्स हैं। डिजाइन आपने स्केच देख ही लिया है, कुछ यूनिक किया गया, चेंज किया गया इस बार। और 13R का भी एक वीडियो आने वाली, 13R पर भी डिटेल सामने आई हुई है, उसका भी स्केच आया हुआ है, वो भी इस बार अपग्रेड है, चेंजेस किया गया है। स्पेक्स आपने देख लिया, डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन आप सब कुछ देखा, प्रोसेसर देखा, कैमरा भी देखा आपने। आपके हिसाब से इसकी प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए और किस प्राइस पॉइंट में देखना पसंद करेंगे और कितने एक्साइटेड हैं आप वन प्लस 13 को लेकर, बताएं कमेंट करके। और कमेंट करेंगे तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप ही को मोटिवेशन मुझे तो मिलता ही मिलता है, आपको मिलेगा पैसे से। जी हाँ, जितना कमेंट करेंगे मंडे टू सैटरडे की, यहाँ सैटरडे है आज लास्ट है, भर के कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितना कमेंट करेंगे उतने ही चांसेस इंक्रीज होते हैं पैसे कमाने के। संडे वाले वीडियो यानी कल के वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा विनर का, रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, जहां पर प्राइज मनी कैसे क्लेम करना सब कुछ बताया जाता है। तो कमेंट करिए, प्यार बरसाइए, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।